Assalamu alaikum guys, welcome to another day and welcome to another vlog. I must say welcome to an Eid day. So this is Eid. सबसे पहले तो आप सबको ईद उल फितर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो और ये ईद का पहला दिन है तो आज हम इस व्लॉग को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरे साथ रहिए इंशाल्लाह शेयर करता रहूँ आज लबीना का फर्स्ट ईद है हमारे घर पे तो कत कतानो अख्तर दी मुबारक शाह अख्तर दी मुबारक शाह तजवनी शाह ये अपने अबू के साथ हैं, ये दोनों सेल्फी ले रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और अभी भी अपने अबू को देख रही है। और ये रहा हमारा अंकल, बुंदेल में तो सर लोग इसे जानते हैं, पेशावर में भी जानते हैं, बल्कि पूरे केपीके में जानते हैं, बल्कि मैं अगर कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में जानते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। तो ये है हमारा अंकल शौकत बुनेरी। अच्छा गाइस, मुझे जरा भूल गया था, तो भूल तो नहीं गया था लेकिन मैं नाश्ता कर रहा था तो इस वक्त मेरा अंकल जावेद कारी साहब, मेरा कजन शहजाद भाई, मेरा कजन अहमद भाई और मेरा अंकल खालिद तो ये आए थे, तो मैंने इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं जरा अभी इतने देखा हूँ आप लोगों को तो रूस थे, ये मुझे याद आ गया तो बस ये भी व्लॉग का हिस्सा रहे। अच्छा तो हमारा ये सिस्टम होता है कि ईद के दिन यहाँ पे सब लोग अपने रिश्तेदारों के घर आते जाते हैं, तो अभी तक हमारे घर लोग आ रहे थे, कुछ लोगों ने तो नमाज पढ़ के, आप लोगों को तो पता है कि हमारा घर बिल्कुल मस्जिद के करीब है तो नमाज पढ़ के कुछ लोग आ गए और कुछ अभी आ रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि हम भी चले जाएं, तभी मैं हूँ और मेरे साथ मेरा भाई यासिर भाई है, तो अभी हम जा रहे हैं रिश्तेदारों के घर, तो बस यही प्लान है, आगे आपको दिखाते रहेंगे। और ये ना मुख्तलिफ घर में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो बस अभी बिरयानी है, आगे देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। और अभी हमारे कज़न आसिफ अली ने हमें ज्वाइन किया, तो आसिफ अली हमारे साथ हैं। और ये जो चौक है, ये वाला, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये है धिदन चौक, इसको कहते हैं धिदन चौक। और ये ना मेरे भाई ने इसको दिया है, इसमें ये अफसर खान का दुकान है, इसको जरा देख ले। और ये है हमारा अफसर खान भाई, ये अफसर खान है। और ये है फिर मेरे कजन का दुकान, तो वो रहा नवीद भाई, जरा इसको भी देख ले। ये जो आप लोग को नजर आ रहा है, ये हमारा गाँव है, गाँव तो खैर नहीं कह सकते, ये तो बाजार टाइप है, सिटी टाइप है, लेकिन फिर भी ये मशहूर गाँव है, तो ये हमारा गाँव है। और नाम तो आप लोग को वैसे भी पता है, नहीं पता तो इसका नाम है दीवाना बाबा। तो ये हमारे गाँव के कुछ रास्ते वास्ते वगैरह हैं और बस ये हिसाब किताब है। ईद है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। करना क्या ना के मोटे हो गए। अच्छा मैं हूँ काते पीते कराने से। अच्छा गए, अभी सिर्फ दो घर रहते हैं, वो दोनों मेरे मामू के घर हैं, तो बाकी तो सारे हमने कर लिए, सबके घर हम गए हैं। तो रास्ते में हम कारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, ये हमारे अंकल है जावेद कारी साहब, इसने भी हमें ज्वाइन किया, तो अभी हम जा रहे हैं मामू के घर, तो बस वही दो घर रहते हैं फिर उसके बाद ख़त्म है। अच्छा नाजरीन, हम सुबह के 9 बजे निकले थे, सुबह 9 के,
और फिर उसके बाद हमने तकरीबन 15-16 घर कर लिए। घर करने का मतलब यह है कि हम एक एक घर गए हैं, वो हमारे रिश्तेदारों के घर थे, कुछ अंकल्स के घर थे, मामू के घर थे, पप्पा के घर थे, तो हम वहाँ पे गए हैं, हमने वहाँ पे खाया है, पिया है। अभी बस ये आखिरी घर है हमारे मामू का, दानिश भाई हमारे मामू का बेटा है और इसको तो आप जानते हैं, तो बस ये आखिरी घर है। इसके बाद जो है कि हमारा रूटीन होगा उसको हम शेयर करते रहेंगे। अभी तक 12 बज रहे हैं और हम 9 बजे के निकले। अभी हम अपने हुजरे में बैठे हैं तो मेहमान आते रहते हैं, फिर उनको डील करते रहते हैं। कुछ मेहमान तो आ गए, चले भी गए, लेकिन उस टाइम मैं ये अपने रिश्तेदारों के घरों में था, तो अभी मैं आया हूँ तो मेहमान आते रहते हैं, हम उनको डील करते रहते हैं। तो अभी हम अपने हुजरे में बैठे हैं और बस यही काम है, बस ये हमारा ईद है और ये बस चल रहे हैं। मोहम्मद सलमान है, ये मेरा कज़न है, मेरे चचा का बेटा मोहम्मद सलमान। सलमान अभी कौन सी क्लास में हो? 10th। ये अभी मैट्रिक में है। और 9th में कितने मार्क्स है आपकी? 423। इसके 9th में 423 मार्क्स है। ये गवर्नमेंट स्कूल में है तो इस वजह से ये मार्क्स कम है, लेकिन ये कम नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में 423 मार्क्स लेना ये बहुत बड़ी बात है, तो ये बड़ा लायक बंदा है। और बस ये हिसाब किताब चल रहा है, हम चला रहे हैं, बस यही है। तो ये हमारा हुजरा है, 2-3 दफ़ा तो मैंने दिखा भी दिया आप लोगों को, बस खैर एक दफ़ा फिर से देख लें। तो उस पे तो खैर आवाज़ नहीं थी और वो तो लोग भी बैठे थे उस टाइम पे, तो बस ये हमारा हुजरा है, ये हिसाब किताब है। अच्छा, ये भी हमारा कज़न है नवीद, ये भी अपने नाम के साथ हेस्टर लिखता है, जो पहले मैं लिखता था तो अभी ये नवीद हेस्टर हैं, ये भी हमारा कज़न है। और मुझे खैर मेहमान आ गए तो उस बाद में देखेंगे। और ये भी नमाज़ का टाइम हो गया, अफसर खान भी मज़े जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, और मैं भी ज़रा घर जा रहा हूँ, तो मैं मस्जिद भी जाऊँगा खैर, लेकिन पहले घर जा रहा हूँ तो वज़ू करके फिर मस्जिद आता हूँ, ठीक है। तभी जोहर का टाइम हो गया। अच्छा गाइस, अपने गांव में घर तो हमने सारे कर लिए, सारे रिश्तेदारों के घर गए थे। अभी हम आए हैं गांव बचकटा, तो ये गांव बचकटा है और अंकल को तो आप जानते हैं, असद भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है। असद भाई जरा चेहरा दिखाइए आपका, तो हमारी नजर देखना चाहेंगे, फ्रेंड्स है ना हमारे। अच्छा जी, हाँ तो वो देखना चाहेंगे। तभी ये हम बचकट आए हैं, तो इसके बाद हम जाएंगे कल्पानी, तो बस ये हमारा प्लान है, हमारे साथ रहे, शेयर करते रहेंगे। ये बचकटा की गलियाँ हैं, ये गाँव मशहूर है छोटे छोटे गलियों पर, तो यहाँ पर जब नया बंदा आता है तो उसे सारी गलियाँ गुम हो जाते हैं। चूँकि वाइस साहब बुनेर का टीम भी इस टाइम यहाँ पर है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे जानने वाले हैं और यहाँ पे इन लोगों को ज़्यादा पता है कि इन लोगों के रास्ते कैसे हैं, कौन सा रास्ता कहाँ तक जाते हैं, तो उनसे मदद लेके हम ये रास्ते वगैरह ढूंढ रहे हैं और हम वो जो हमारे रिश्तेदारों के घर वहाँ पे जा रहे हैं। भाई मशुमान दी, बिल्कुल मुझे पता है, क्योंकि उनमें एक बाजा बजाने वाला था और वो हर टाइम कटा कटा कर रहा था। ये ना ये है तो बचकटा, लेकिन वो जो घर नज़र आ रहे हैं वो हमारा गांव दीवान बाबा है। तो वो जो टावर आप लोगों को नज़र आया, मैं ज़रा जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद वो दिख ना जाए। वो है दीवान बाबा, वो जो टावर नज़र आ रहा है यही वो टावर दीवान बाबा में है, और वो दीवान बाबा है। और ये इस वक्त हम है बचकटा में। अच्छा गाइस, अभी हम बचकटा गाँव से निकल गए, यहाँ के जो हमारे रिश्तेदार थे उनके घर हम चले गए। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम बचकटा चौक जाएंगे, तो चौक में कुछ रिश्तेदार हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे कल्पानी। तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि वाइस ऑफ बुनेर का जो टीम है वो हर साल आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ शेयर करती है, वो हर साल आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लाती हैं। तो इस दफ़ा भी हर साल की तरह उन्होंने ये प्लान किया कि हम इस दफ़ा एक ऐसा काम करें जो कि आज तक किसी ने ना किया हो। तो हम आज आप लोगों को आज यहाँ की बुनेर के लोगों का जो रिवाज है, जो यहाँ की रवायत है, तो उससे हम आप लोगों को आगाह कर रहे हैं और हम आप लोगों को वही दिखा रहे हैं। तो बुनेर में इस तरह होता है कि जो यहाँ के लोग होते हैं वो हर ईद में अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, आते हैं, वहाँ पर कुछ खाते हैं, पीते हैं और एक दूसरे को ये ईद की ग्रीटिंग करते हैं। तो इस दफ़ा हम आज यहाँ पर हैं, तो ये मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको देख लें, लाइक कर लें, इसको शेयर कर लें। आप सबका बहुत शुक्रिया।
अच्छा गाइस, बचकट्टा तकरीबन ख़त्म हो गया। कुछ घर अभी रहते हैं जो बिल्कुल चौक में है, मेन रोड पे है, तो वापसी में आके उनको कवर करेंगे, उनको ईद मुबारकबाद देंगे इंशाल्लाह। बस अभी हम जा रहे हैं कल्पानी, इस वक्त ये है गागरा, तो गागरा के इलाके से हम गुजर रहे हैं, बस आगे कल्पानी है, तो आगे हम जाएंगे कल्पानी। और जब हम आ रहे थे तो हम बहुत ज़्यादा बंदे थे, अभी हम सिर्फ 3 रह गए हैं, तो मैं ज़रा आप लोगों को दिखा दूँ कि वो 3 हम कौन कौन है। अच्छा गाइस, बस हम सिर्फ ये 3 बंदे रह गए हैं, एक अंकल हैं नवीद कारी साहब, एक नवीद भाई हैं, और एक मैं हूँ, और मेरे साथ भी मैं हूँ। अच्छा नाजरीन, आज का लॉग हमारा बस यहाँ तक था, हमने बासकट्टा भी कर लिया, कल्पानी भी कर लिया, यानी मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो बुने के लोग हैं ये अपने सारे रिश्तेदारों के घर आते जाते हैं, और इस तरह ये हमारा रिवाज है, ये हमारी रवायत है, इस तरह होता रहता है। तो हमारा आज का दिन यहाँ तक था, अभी बस तकरीबन 8:30 बज रहे हैं, अभी बस हम वापस घर जा रहे हैं। तो लॉग देख लीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कर लें और हमें क्रेडिट ज़रूर दे दें। तो ये है चेल अवर गैंग और वॉइस ऑफ इंडिया का टीम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड बाय।